आज हम बनाएंगे लौकी का कोफ्ता। पहले हम लौकी को छीलकर और क्रश कर लेंगे। अब लौकी को हम अच्छे से छील चुके हैं। अब इसको काट कर हम क्रश कर लेते हैं। अब लौकी को हमने क्रश कर लिया है। अब हाथ से दबाकर इसका पानी हम निचोड़ लेंगे। लौकी को दबाकर हम इसका पानी निचोड़ दिए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके पानी को हम अलग बाउल में स्टोर कर लिए हैं। इसका हम सूप बनाएंगे, इसको फेंकना नहीं है। अब हम प्याज, हल्दी, गरम मसाला, मिर्च, अदरक, लहसुन और धनिया, नमक, ये सब हम मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लेंगे। अब पीसे हुए मसाला को हम क्रश किए हुए लौकी में 2 से 3 चम्मच पेस्ट डाल देंगे और बाकी पेस्ट हम बचा के रख लेंगे करी के लिए। और इसमें बेसन ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह हम शेप दे देंगे। इस साइड में हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। अब हम मिक्सी में 2 टमाटर पीस लेते हैं। अब हमारा मसाला भुना गया है। अब इसमें हम टमाटर का पिसा हुआ पेस्ट डाल देते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे और ज़रूरत अनुसार हम नमक डाल देंगे। अभी थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा कर लेंगे।